आज आप लोगों को सिखाऊं सेल्फ राइजिंग फ्लावर किस तरीके से बनता है घर के अंदर। बहुत ही सिंपल है और आसान सी रेसिपी है। इसमें कुछ नहीं करना, आपने मैदा लेना है, 300 ग्राम नॉर्मल मैदा लेना है और इसमें आपने ऐड करना है 2 टीस्पून लेवल करके आपने बेकिंग पाउडर यूज करना है, ठीक है। अगर आप इसको कप में मेजरमेंट करेंगे तो अमेरिकन कप जो है उसका वेट बनेगा 2 कप का वेट बनेगा 300 ग्राम। 2 कप लेना है आपने मैदा और 2 टीस्पून लेवल करके आपने बेकिंग पाउडर जो है आपने इसमें यूज करना है। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आपने सिर्फ बेकिंग पाउडर ऐड करें 2 टीस्पून और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करके इसको छान लेना है। 2 से 3 दफा आप इसको छान लें। देखें इसको हम 2 से 3 दफा इसको छान लेंगे। देखिए इसको 3 दफा मैंने छान लिया इसको। अब इसको मैं एक जार में डाल के इसको मैं रूम टेम्परेचर पे रख दूंगा। जब भी आप लोगों को बनाना हो इस तरीके से पहले से बना के रख दें, जिस रेसिपी में मेंशन हो उसमें ये उठाएं और इसको यूज़ करें। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें सॉल्ट भी यूज़ करते हैं, नमक, लेकिन उसमें डालना नहीं, क्योंकि जिस रेसिपी में सेल्फ राइजिंग फ्लोर होगा उसमें जो है ना उसी रेसिपी में अलग से वो सॉल्ट भी होगा। तो इसको बगैर सॉल्ट के इसको बना के रखें, हमेशा जब भी किसी रेसिपी में हो इसको यूज़ करें। अल्लाह हाफिज़।